इसके अलावा स्टेट, एड्रेस, लाइन, ये सब आपको डालना होगा। ये सब डालने के साथ ही आपको ओनरशिप टाइप की चीज देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी आप रूल रह रहे हो, अगर वो पिता का घर है, पेरेंटल है, तो वो बता सकते हो। अगर वो खुद का घर है तो ओन बता सकते हो। अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंटेड बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर डाला, उसके अलावा एक और मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा ऑल्टरनेट फोन नंबर के तौर पर, ताकि उसको वेरीफाई करके उस पर ओटीपी आएगा, वो करेक्शन करके टिक मार करके आपको आगे बढ़ना है। अब मेन चीज पे आप आ रहे हो जहां पे ये लोन अमाउंट मिलेगा, तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे कम से कम अमाउंट और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपको चूज करना है जितना आपको चाहिए। वो लोन लेने का एक रीजन भी चूज करना है और सेम यहाँ पे टेन्योर भी चूज करना है कि कितने समय के लिए आप लोन को लेना चाहते हैं। इसके बाद ईएमआई शेड्यूलिंग आएगा कि आप हर महीने की किस इंस्टॉल करें, तो तक हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा यहाँ से। प्रोसेसिंग फीस का पैसा 200 रुपए से 600 रुपए तक लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका मिनिमम 20% का है और वही मैक्सिमम 50% तक का है। तो ये एपीआर भी पता चल गया आपको इससे। और लोन चुकाने का समय 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का बीच में है। अब यहाँ पे अगर आपको एक सैंपल समझना है, तो मान लो 10,000 का लोन अगर आप 1.5% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने के लिए भी लेते हो, तो आपको जो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फीस बनेगा वो 300 का बनेगा। जो लोन आपको हाथ में आएगा वो 97,100 आएगा, क्योंकि 300 रुपए जो प्रोसेसिंग फीस के वो ऑलरेडी मेन मेन अकाउंट मेन जो आपका लोन। सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू लोन पाओ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा एक ऐसे एप्लीकेशन से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो, जहां पे आपको मैक्सिमम लोन की बात करें तो 25,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, लेकिन मिनिमम लोन अमाउंट कितना मिल सकता है, जिससे आप लोगों को अगर कोई इंस्टेंट काम करना हो जिसमें आप लोगों को पैसों की नीड है और कोई छोटा अमाउंट भी मिलेगा तो भी आपका काम हो जाएगा, उस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पर्सनल लोन तो आप ले रहे हो, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन क्या ये सिर्फ बिना सिविल स्कोर के या सिविल स्कोर मैटर करेगी इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेने पे? क्योंकि आपको पता है बहुत सारी एप्लीकेशन जो पर्सनल लोन के बिना, मतलब सिविल स्कोर के बिना तो लोन प्रोवाइड ही नहीं करती। ऐसे केस में क्या आपको लोन मिल सकता है? इसके अलावा क्रेडिट हिस्ट्री, यानी जो बैंक से पता है ना कि जब बैंक वाले भी लोन देते हैं तो उससे पहले आपकी क्रेडिट रिपोर्ट हिस्ट्री चेकआउट की जाती है, तो क्या ये वाकई यहाँ पर भी होगा? इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड से या सिर्फ आधार कार्ड से लोन मिल सकता है? इसके अलावा कोई इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ेगी या बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ने वाली? इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कैसे लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि इंस्टेंट पर्सनल लोन देने का काम प्रॉपर तरीके से करता है और टेंशन मतलब आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोगों को पता ही है, फटाफट से आप लोगों को वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। और हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो आपको नॉर्मली बता दूं कि ये वैसे ही तो ये लोग जो फोन में वीडियोस देखते हैं उनके लिए होता है, ताकि उनको डिटेल में सब चीज समझ में आए। तो ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो जैसे टाइटल है, टाइटल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसके अंदर आपको मिलेगी एक वेबसाइट लिंक loanpower.in करके, सिंपली आपको इस पे करना है। क्लिक करते आप सीधा पहुंचेंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पे तमाम तरीके के कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्टेंट या कैटेगरी भी मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपको पता है कि आपको एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना है, और क्योंकि ये जो वेबसाइट प्रॉपर तौर पे फाइनेंसिंग एंड जितने भी फाइनेंस प्लेटफॉर्म से लोन कैसे लेंगे उसके बारे में आपको प्रॉपर चीजें रिकमेंड भी करता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको डायरेक्टली जाना है यहाँ पे ऐप लोन पे, क्योंकि आपको एक एप्लीकेशन से लोन लेना है और यहाँ पे जाके उस लोन ऐप को आप सर्च कर सकते हो जहां से आज हम लोन लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ना मिले तो आपको डायरेक्टली जाना है सर्च पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है बेटर प्लेस। इसके बाद आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि बेटर प्लेस मनी ऐप से पर्सनल लोन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें और बेटर प्लेस मनी ऐप से लोन कैसे लें, ये कॉन्टेंट आपके सामने खुल जाएगा। और पहली बात, ये जो जानकारी मिल रही है इसको आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मोस्टली चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि भाई लोन कैसे लेंगे या लोन को कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत क्या है, तो मैं इतना बता देता हूँ कि YouTube पे आपको वीडियोस मिल जाएगी जहां से सिर्फ लोन अप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन सही मायने में जहां पे आपको पता हो कि भाई वो एप्लीकेशन उसकी प्रॉस कॉन्स क्या है, क्या वो हमारे लिए फिट बैठता भी है या फिट नहीं भी बैठता, सिर्फ हम इस्तेमाल करने के मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस बेसिस पे देखेंगे तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन जो है अमाउंट के बारे में कितना दे रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या कितने ब्याज दर पे दे रहा है, उसका एपीआर कितना पड़ेगा, आपको सालाना बेसिस पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है, या लोन चुकाने की अवधि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चले लोन तो आपने बहुत बड़ा ले लिया लेकिन चुकाने की अवधि बहुत कम है, कि आप पे इंस्टेंट प्रेशर और बर्डन पड़ जाए वो भी बेकार है। इन सब के अलावा कोई एप्लीकेशन जो आपको लोन दे रही है, क्या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या कोलेट्रॉल भी करवा रही है क्या? क्योंकि अगर ये चीज पता नहीं हुई, आपने लोन लिया, लोन अप्रूव हो गया, तो पता चले आपको उतनी कीमत की कोई चीज भी आपको उनको देनी पड़े, अगर आपके पास नहीं हुआ तो फिर आप तब भी फंस सकते हैं। ऐसे तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जहां तक हम इस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे बहुत रियर केसेस में, जितनी चीजें मैंने नेगेटिव शीट्स में बताई है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, लोन अमाउंट भी बढ़िया मिलेगा और लोन चुकाने की अवधि भी बहुत अच्छी है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और जितनी भी फीस यहाँ पे रखी जाएगी या दिखाई जा रही है उतनी ही फीसेस लगेंगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बाकी बात रही लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आपको विजिट की लिंक जो है आर्टिकल के ही अंदर मिल जाएगी, जिसपे आपको सिंपली क्लिक करना है तो आपके सामने एप्लीकेशन ओपन होगी बेटर प्लेस मनी, ऑटोमेटिक आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा। बात करो तो 1 मिलियन प्लस यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी तक आपने नहीं किया तो फटाफट इंस्टॉल कर लो, और जब तक आप इसको इंस्टॉल करें तब तक हम इस एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं।
तो आपको बता दो कि मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा यहाँ से। प्रोसेसिंग फीस का पैसा 200 रुपए से 600 रुपए तक लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका मिनिमम 20% का है और वहीं मैक्सिमम 50% तक का है। तो ये APR भी पता चल गया आपको इससे। और लोन चुकाने का समय 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का बीच में है। अब यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो मान लो 10,000 का लोन अगर आप 1.5% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने के लिए भी लेते हो तो आपको जो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फीस बनेगा वो 300 का बनेगा। जो लोन आपको हाथ में आएगा वो 9,700 आएगा क्योंकि 300 रुपए जो प्रोसेसिंग फीस के वो ऑलरेडी मेन मेन अकाउंट मेन जो आपका लोन अमाउंट नेट जो अमाउंट कट आया आता है जितने का आप लोन अप्लाई करते हो उसमें से कट जाता है। बाकी जो इंटरेस्ट बनेगा 450 रुपये बनेगा एज अ 3.5% पर मंथ के हिसाब से 3 महीने के लिए। और आपको जो मंथली पेमेंट करनी होगी एज अ EMI वो करनी होगी 3483.33 रुपये की हर महीने 3 महीने के लिए। जब आप लोन चुकाने जाओगे तो आपका टोटल जो पेमेंट होगा 3 महीने में वो होगा 10,450, यानी जो आपको टोटल कॉस्ट जो लोन पड़ेगा पड़ेगा 450 रुपये। तो 3 महीने में अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपको जो है बस 450 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो कोई खराब डील नहीं है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया तो करते हैं ओपन होने के साथ ही बेटर प्लेस होनी एप्लीकेशन खुल जाएगा जहाँ पे सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हो। लैंग्वेज चूजिंग के बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके का पेज देखने मिलेगा। तो आपको सिंपली नीचे जो है नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और OTP को एक्सेस करके आगे बढ़ना है। तो OTP आएगा जो मोबाइल नंबर आपने डालना है और कोशिश करना मोबाइल नंबर वो डाले जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट परमिशन है जो यहाँ पे आपको टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो लोकेशन है वो आपको अलाउ करनी होगी एंड इसके बाद आपको आपकी कंपनी नेम डालनी पड़ेगी। अगर मान लो आपकी कंपनी इसके अंदर लिस्टेड नहीं है तो आप अदर्स डाल के जो है नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। वो करने के साथ ही आपको यहाँ पे कंफर्म भी करना है क्योंकि आप अदर्स कर रहे तो इसका मतलब देखना भी पड़ेगा कि वो कंपनी ऑथेंटिक है कि नहीं। तो आपको कंफर्म करना है कि आपकी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड में नाम नहीं है इसलिए आप अदर्स का चूज कर रहे हैं। यस करेक्ट पे क्लिक करना है। पैन कार्ड की डिटेल्स देने के साथ आपका पैन कार्ड में जो आपका नाम है वो देना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और बाकी की अन्य डिटेल्स जो आपके पैन कार्ड डिटेल्स के आधार पे होगा वो दे के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद पैन कार्ड कंफर्मेशन कर देनी है। देन यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल स्टेटस की आप शादीशुदा है कि नहीं है और जेंडर बतानी मेल फीमेल आप किसमें आते हैं वो चूज करने के साथ ही आपको दिखाएगा कि आप 25,000 रुपए तक के इंस्टेंट कैश के लिए तैयार हैं और इतना आप लोन ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको टिक मार्क क्लिक करना है और अप्लाई के बटन पे जाना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि पिन कोड सिटी वगैरह के नाम इसके अलावा स्टेट एड्रेस साइन ये सब आपको डालना होगा। ये सब डालने के साथ ही आपको ओनरशिप टाइप की चीज देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी आप लोग रह रहे हो अगर वो पिता का घर है पेरेंटल है तो बता सकते हो। अगर वो खुद का घर है तो ओन बता सकते हो। अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंटेड बता सकते हो ठीक है। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर डाला उसके अलावा एक और मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा ऑल्टरनेट फोन नंबर के तौर पर ताकि उसको वेरीफाई करके उस पर OTP आएगा वो करेक्शन करके टिक मार्क करके आपको आगे बढ़ना है। अब मेन चीज पे आप आ रहे हो जहां पर ये लोन अमाउंट मिलेगा तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे कम से कम अमाउंट और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपको चूज करना है जितना आपको चाहिए। वो लोन लेने का एक रीजन भी चूज करना है और सेम यहाँ पे टेन्योर भी चूज करना है कि कितने समय के लिए आप लोन को लेना चाहते हैं। इसके बाद EMI शेड्यूलिंग आएगा कि आप हर महीने कि किस तारीख को पैसा आप जो है पेमेंट करना चाहेंगे EMI का। इसके बाद करने के साथ ही कंप्लीटेशन हो जाएगा। इसके बाद एक एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर आएगा। अगर ये नहीं भी अपडेट होता तो भी पता चल जाएगा कि आपका लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं एंड इसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है अंडर प्रोसेस में रहेगा। बाकी के काम जैसे KYC वेरिफिकेशन जैसे सेल्फी वगैरह की चीजें या फिर अगर लोन एग्रीमेंट सैंक्शन की बात है और बैंक अकाउंट डिटेल्स की बात आएगी जैसे ही आपका ये अप्रूव हो जाएगा जैसे ही आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा आपके होम पेज पे कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है। बाकी के प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई ये तो थी बहुत बेहद आसान प्रोसेस जहां से आपने जाना किस तरीके से ले सकते हैं यहाँ से आप लोग बड़ी ही आसानी से लोन। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा।